हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वाद अपना अपना रेसिपी ब्लॉग में। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंडिया का पॉपुलर फूड राजमा, जिसे हर छोटे बड़े खाना बहुत ही पसंद करते हैं। इसे इजली कोई भी बना सकता है। बहुत ही ईजी, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक रेसिपी है फ्रेंड्स। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। खुशबू और स्वाद से भरपूर है ये राजमा। 250 ग्राम हमारा राजमा है। इसे हमने ओवरनाइट भिगो कर रखा हुआ था लगभग 8 से 9 घंटे। देख सकते हैं हमारा राजमा अच्छे से फूल गए हैं। ये दो कलर के कम्बिनेशन का राजमा मुझे बहुत पसंद है, इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम ऐड करेंगे लगभग 2 गिलास के करीब पानी और साथ ही कुछ खड़े मसाले। हमें राजमा में पानी इतना ऐड करना है कि राजमा से थोड़ा ऊपर तक पानी हो। देख सकते हैं हमें इतना पानी चाहिए। अब हम खड़े मसाले को डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 इंची के करीब दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और 2 तेज़पात। इन सभी को हम डाल देंगे राजमा के अंदर और साथ ही स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जिससे कि राजमा फीका ना लगे। हमें बाद में भी डालना है नमक मसालों के साथ। साथ ही थोड़ा सा हम इसमें हल्दी ऐड कर लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 सीटी आने तक वेट कर लेंगे, जिससे कि राजमा अच्छे से पक जाए और सारे खड़े मसाले का फ्लेवर राजमा के अंदर आ जाए। नॉर्मली राजमा 6 सीटी में गल जाते हैं। अगर आपका राजमा ना गले तो 1 सीटी और लगा लीजिएगा। इसके बाद हम ढक्कन को लगा लेंगे और गैस का फ्लेम करेंगे ऑन और इसे हम सीटी आने तक वेट कर लेंगे। 6 सीटी कंप्लीट हो गया है, हम इसे चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। इसे हम चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं राजमा हमारा अच्छे से गल गया है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे और इसके लिए हम मसाले को तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है और पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे और इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच सरसों तेल और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। 4 छोटे साइज के प्याज को हमने लंबे शेप में चॉप कर लिया था अच्छे से धो करके। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम प्याज को डाल देंगे और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फिर हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, मीडियम साइज के चम्मच से हमने लिया है 1 चम्मच, और इसे 1 मिनट तक भून लेंगे। अच्छे से चलाते हुए इसके बाद हम ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और सेम क्वांटिटी में हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। इन दोनों के कम्बिनेशन से बहुत ही बढ़िया कलर आएगा हमारे राजमा में। इन्हें हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अब हम यहाँ पे एक बड़े साइज के टमाटर का पेस्ट बनाकर पहले से रखा हुआ था, इसे हम ऐड कर लेंगे और इसे हम 2 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि टमाटर का पानी अच्छे से सूख न जाए। देख सकते हैं फ्रेंड्स, पानी टमाटर का सूख चुका है। तब हम डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। नमक हमें यहाँ पे ध्यान से ऐड करना है, क्योंकि हमने राजमा के साथ भी ऐड किया हुआ था। साथ ही 1 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे। अब हम सारे मसाले को चलाते हुए 2 मिनट तक पका लेंगे, जिससे कि प्याज अच्छे से कुक हो जाए। देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है मसालों में। थोड़ा और पकाएंगे हल्का सा पानी ऐड करके। अभी प्याज अच्छे से कुक नहीं हुए हैं, इसे चलाते हुए थोड़ा देर और पका लेंगे।
तो फाइनली देख सकते हैं अब हमारा मसाला कंप्लीट हो चुका है राजमा के अंदर डालने के लिए। अब हम इसे चलते हैं राजमा के अंदर डालने। भुने हुए सारे मसाले को राजमा के अंदर डाल देंगे और इसे 1 मिनट तक पका लेंगे। राजमा उबालते समय जो पानी बच गया था उसे हमें निकालना नहीं है, उसी पानी में हमें बनाना है चलाते हुए। फिर हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। देख सकते हैं इसका टेक्सचर। राजमा का अपना एक अलग ही स्वाद है जो हर किसी को पसंद आता है। इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 गिलास ग्रेवी के लिए पानी और इसे चलाते हुए देखेंगे हमें कितना चाहिए। इतना हमें ग्रेवी चाहिए। थोड़ा और पानी ऐड कर लेंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर 1 सीटी और लगा लेंगे हाई फ्लेम पे। इसे अच्छे से चला करके हम ढक्कन लगा देंगे। तो लीजिए मज़ेदार राजमा बनकर तैयार हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे गरम मसाला, ये थोड़ा और गाढ़ा होगा ठंडा होने के बाद। आधा छोटा चम्मच ऐड कर लेंगे। अब हमारा राजमा बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए, तो अब हम चलते हैं इसे सर्व करने। हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कमेंट के साथ। आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इसे धनिया पत्ता से हम गार्निशिंग कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, सुपर फास्ट वेट लॉस राजमा बनकर तैयार हो चुका है हमारा। जी आपने सही सुना, ये शरीर के वजन को भी कम करने में काफ़ी हेल्प करता है, साथ ही फाइबर की मात्रा भरपूर होती है। राजमा हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसे बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।